जैन फ्रेंड्स, तो कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था, मैम आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, बहुत दिन हो गए आपको नहीं देखा हमने। और कुछ लड़कियां कह रही हैं कि दीदी शेड्यूल वगैरह क्या रखे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रही हैं। तो देखो यार, मैं अभी ट्रेनिंग पे आई हूँ, पता है आप लोगों को, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। आज हमारी सुबह सुबह फटीक थी, तो अभी थोड़ा सा फ्री हुए तो मैंने सोचा थोड़ी सी गाइडेंस दे दूँ आपको। तो देखो, शेड्यूल वगैरह क्या होता है यार? शेड्यूल कुछ नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आप इस टाइम पे कर क्या रहे हो, या आप अभी आपका लेवल क्या चल रहा है। अगर मान लो आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग लेवल पे, जीरो फेज में चल रहे हो, तो आपको थोड़ा सा समय तो लगेगा ही चीज़ों को मैनेज करने में। तो अगर आप बिल्कुल ही अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करने पर ध्यान दो। जैसे मान लो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, ये चार ही सब्जेक्ट होते हैं हमारे। अगर हम यूपी की तरह एग्ज़ाम्स की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे हिंदी हो जाती है इंग्लिश की जगह। तो ये चार ही तो सब्जेक्ट हमें कवर करने हैं। अब इनको आप ऐसा कर लो कि आपने जैसे सबसे पहले मैथ कर ली, फिर हिंदी कर ली, फिर जीके कर ली, या रीजनिंग कर ली, ऐसे कर करके कर लो। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपको सब सारी चीज़ें साथ में लेके चलनी है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने सबसे पहले मतलब सुबह का टाइम मैथ को दे दिया या रीजनिंग को दे दिया, और सुबह सुबह आपका मतलब 2 बजे से पहले पहले आपने इतना टाइम दे दिया। उसके बाद जो मतलब थोड़ा बहुत आपने टाइम वाइम इधर उधर मैनेज किया, खाना पीना खाया, घूमे फिरे, उसके बाद का टाइम आपने थोड़ा सा हिंदी को दे दिया या जीके को दे दिया, वो आप देखो कि आप कब ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो। जैसे मैं जनरली रात को पढ़ा करती थी, मैं दिन में नहीं पढ़ती थी, ठीक है? तो मतलब पढ़ती थी मैं दिन में भी, पर दिन में थोड़ा सा मैं अपने आप को कम प्रोडक्टिव मानती थी, और रात में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आप प्रोडक्टिव किस टाइम पे हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया कि दिन में सुबह 8 से 9 तो मैं मैथ करने, तो तुमने उसी हिसाब से सोच लिया, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अपने हिसाब से बनाओ, ये चीज़ें फालतू की होती हैं, बकवास है। अगर कोई ऐसे बता रहा है तो तुम्हें वो तुम्हारा पागल बना रहा है। तुम पहले ये देखो तुम प्रोडक्टिव किस टाइम पे हो। अगर आप रात में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो तो रात को पढ़ो, दिन में प्रोडक्टिव हो तो दिन में पढ़ो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपका थोड़ा बहुत सब्जेक्ट तैयार है, आपको मोटी मोटी जानकारी हो गई है, तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस ख़त्म करने की बात करो। देखो, तुम्हें जो सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ना, वो देना पड़ेगा मैथ में और जीके में, ठीक है? बाकी हिंदी जो है, हिंदी आपको एक बार टाइम देना है, हिंदी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, हिंदी में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जीके आपको टाइम देना पड़ेगा जीके में, और जीके आपके नंबर भी कम लेके आओगे, ठीक है? तो मेरी सलाह मानो तो ऐसा करना, अगर यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हो, सबसे ज़्यादा फोकस करो मैथ पे, रीजनिंग पे और हिंदी पे, ठीक है? ये तीन सब्जेक्ट आपको, ये समझ लो, सिलेक्शन दिला सकते हैं पूरा अच्छे से। तो जीके उस टाइम पे देख लेना जब आपका मतलब पेपर आ जाए, क्योंकि आप फॉर्म वगैरह आ जाए, उस टाइम पे देख लेना। अभी तीन चीज़ें करो मेरे कहने से, सबसे पहले मैथ का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस और रीजनिंग का सिलेबस, इन तीनों को एक एक बार पहले कंप्लीट कर लो। अगर आपका ये कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद आप रिविज़न पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। अगर हो सके तो घटना चक्र की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर की यूपीएसआई की, तो वो ले लो, ठीक है? और अच्छे से मेहनत करो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना दिया करूँगी। ओके, जय हिंद।